तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास लेटेस्ट नेक बैंड है बोट की ओर से, जो कि है बोट 255 नियो करके। तो इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करेंगे, टेस्ट आउट करेंगे कि किस टाइप के फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या ₹1000 में इसको परचेज करना वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा, वो सभी चीज़ें हम टेस्ट आउट करेंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं जेएस टेक एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेक बैंड हमारे पास ऑलरेडी है, बट आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेनी चाहिए ताकि एक आइडिया लग जाए कि बॉक्स कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं। इतना बड़ा बॉक्स मिलता है आपको जो है बोट के 255 नियो का, जो कि काफ़ी बड़ा है साइज में, बट टिपिकल अमेजोन्स पैकिंग। तो यहाँ से निकलता है आपका 255 नियो बोट का स्पोर्ट मोड नेक बैंड है ये। एंड इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं गाइस, वो है इसका मैग्नेटिक पोज वाला सिस्टम, जो कि अगर आप ये हेड कनेक्ट कर देंगे आपस में तो आपका ईयरफोन जो है पोज मोड में ही, या आप मान लीजिए कनेक्टिविटी ऑफ मोड में चला जाएगा। तो ये काफ़ी दिन से मैं अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रहा था एंड फाइनली बोट ने वो चीज़ कर दी है आप लोगों के लिए, एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस हमने यहाँ से निकाल लिया है अपना हेडफोन का कवर, एंड हेडफोन को निकालने के लिए हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। पे की हमने इसके लिए 999 रुपीज़, मतलब ₹999 में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक हेडसेट, देन पेपर वर्क एंड कुछ बुकलेट्स यहाँ पे जो दी गई हैं, तो वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो आपको मिलती है एक टाइप सी डेटा केबल, कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स, बोट का स्टिकर, वारंटी रजिस्ट्रेशन, देन टेम्पलेट, मैम्पलेट, यूजर मैनुअल, तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे मेन प्रोडक्ट की बात करूँ तो मेन प्रोडक्ट आपका ये आ जाता है बोट का 225 नियो। तो 225 के काफ़ी सारे वेरिएंट अभी हो चुके हैं, 255 नियो। तो अगर फर्स्ट यहाँ पे चेक करें मैग्नेट की क्वालिटी, तो वो काफ़ी ठीक लगी, इतनी बेकार नहीं है। देन फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, आपको बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम का, अप डाउन एंड पोज के लिए, देन एक चार्जिंग पोर्ट, एंड बोट का नेम यहाँ पे है, बोट का नेम, लोगो, एंड ये आपकी आती है टेंगल फ्री वायरिंग के साथ। तो अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है, स्पेशली जो नेक बैंड है उसकी। तो हम अपने फ़ोन से पेयर करते हैं। पेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका अलग होना चाहिए, अलग होगा तभी आपका पेयरिंग मोड में नेक बैंड आएगा। एंड ये आप चेक कर पा रहे हैं, लाइट जो है वो इंडिकेट कर रही है, ब्लिंक कर रही है बेसिकली। तो आई होप ये ऑलरेडी ऑन है, एंड ऑन है तो यहाँ पे नाम आ चुका है ब्रांड का, प्रोडक्ट का, एंड वो स्मार्टफोन के साथ पेयरिंग में चल रहे थे एंड पेयर हो चुके हैं फाइनली। तो गाइज अगर कुछ फीचर्स की मैं बात करूँ तो आपको मिलता है 25 आवर्स का बैटरी बैकअप, 5.2 ब्लूटूथ के साथ ही आते हैं, एंड आपको मिलते हैं 12mm के ड्राइवर, IPX6 ये कंटेन करते हैं, एंड ये बटन अगर आप 3 टाइम प्रेस करेंगे आप बीस्ट मोड में एंटर हो जाएंगे। डुअल पेयरिंग ये हेडफोन सपोर्ट करते हैं, नेक बैंड सपोर्ट करते हैं। फिनिशिंग की बात करूँ तो ये टिपिकली आपके रिमूवेबल हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं चाहें तो, एंड ये आपका आता है ग्लोसी फिनिश के साथ, यहाँ पे मैट फिनिश दी गई है, एंड और जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मज़ेदार है इस। तो गाइज हमने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर ली बोट 255 नियो यहाँ पे है। हमने ऑलरेडी इसको थोड़ा बहुत टेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, माइक्रोफोन क्वालिटी, एंड माइक्रोफोन के अलावा थोड़ा बहुत गेम टेस्ट भी हमने ऑलरेडी इसके साथ परफॉर्म कर लिया है। तो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेक बैंड अवेलेबल अंडर 1000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि जो साउंड क्वालिटी आ रही है ना, वो आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है, कोई भी रिग्रेट नहीं होगा इसको यूज़ करने के लिए। एंड 12mm के ड्राइवर परफेक्टली वर्क करते हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ
बिकॉज ऑफ इट्स साउंड क्वालिटी रियली गुड है. एंड जो चीज़ फाइनली हम वेट कर रहे थे वो बोट ने इम्प्लीमेंट कर दी है अंडर 1000 रुपीज़, तो वो अमेजिंग थिंग है. एंड अगर आप चाहते हैं एक बेस्ट नेक बैंड अंडर 1000 रुपीज़, तो ये कुछ ऐसा ही बेस्ट नेक बैंड. तो मैं सिर्फ बोलता नहीं रहूँगा, मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी. फर्स्ट इन ईयर आप चेक कीजिए कि कितनी साउंड लीक हो रही है, देन आपको साउंड में सुना दूंगा, बता दूंगा कि कैसी एंड कितनी मजेदार ये साउंड है. तो गाइस म्यूजिक चल रहा है एंड अभी बंद हो गया. तो ये डिफरेंस है एक हेडफोन जो आपको बेटर क्वालिटी मिलता है एंड जो एक आपको अच्छे प्राइस पे भी मिलता है, बट रीकनेक्टिंग में स्लाइटली डिले करता है. आई होप जो आने वाले वर्जन्स होंगे नेकबैंड के, बोट डेफिनेटली वो चीज़ इंप्लीमेंट करेगा. एटलीस्ट आ तो गई, अपग्रेड होती रहेगी बाय द टाइम. तो गाइज यहाँ पे बीस्ट मोड भी दिया गया है, बट बीस्ट मोड ठीक ठाक काम कर लेता है. तो गाइस ये वो कर रहा है बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड 2 टाइम प्रेस करना है बीस्ट मोड को एक्टिवेट करने के लिए. साउंड है उसको स्लाइटली डिले करता है एंड कुल मिला के ठीक है, इतनी लेटेंसी चलती है. आप सब कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बैक आते हैं साउंड क्वालिटी के ऊपर, साउंड क्वालिटी कैसी थी, क्या था, क्या मेरा फीडबैक है एंड वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. तो एज़ पर मी गाइस जो बेस है वो परफेक्ट है, जो साउंड है वो परफेक्ट है, जो आपका ओवरऑल म्यूज़िक होता है, जो बैकग्राउंड साउंड्स होती हैं एंड जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है, तो वो सभी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी तरह सुनाई दी. एक अगर आप इसको टीयरलेस से कंपेयर करें तो सेम टीयरलेस आपको 4000 रुपीज़ में इतनी साउंड क्वालिटी, ऐसी साउंड क्वालिटी देता है, यहाँ पे ये आपको 1000 रुपीज़ में सेम साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है. तो एवरीथिंग म्यूजिक में इसको मैं 9.5 मार्क्स दे रहा हूँ. बैटरी लाइफ डिक्रीज की है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अदर थिंग्स. तो बैटरी लाइफ वाइज आपको मैं बोलूँगा कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 25 घंटा अगर आप मान के चले एक प्रैक्टिकल यूज़ देखें, 25 घंटा स्टिल सफिशेंट बैटरी है. आप अपने ईयरबड्स को 2-3 दिन में एक बार चार्ज करेंगे, फ़ोन को अगर दिन में 2 बार चार्ज करते हैं तो ईयरबड को 3 दिन में एक बार चार्ज करने में आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. तो वो चीज़ है एंड जस्टिफाई है. चार्जिंग टाइम काफ़ी क्विक है, आप अगर थोड़ा टाइम है आपके पास चार्जिंग के लिए, स्टिल 5-7 घंटा निकाल देगा ये नेक बैंड आपका. तो वो चीज़ें हैं. एंड अगेन गाइज आपको गेम मोड है देखने के लिए, बट इतना अच्छी तरह से वर्क नहीं करता, बट एज पर प्राइस वो वर्क करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बात करते हैं माइक्रोफोन क्वालिटी पे. माइक्रोफोन मैं यहाँ पे आपके लिए टेस्ट कर लेता हूँ एंड ट्राई करूँगा कि जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको आए एंड बेटर मिले. मैं चेक करता हूँ कनेक्टिविटी इसकी कि कनेक्ट हुआ दोबारा. ओके हो गया, स्लाइटली डिले, लाइक 5-10 सेकेंड्स का डिले वो आप मान के चलिए, तो वो चीज़ है. देन नाउ अभी जो वॉइस आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ये आपकी रिकॉर्ड हो रही है बोट के 255 नियो में एंड जो वॉइस की क्लैरिटी है वो आपको वीडियो में मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि मैं वो चीज़ वीडियो में ऐड करने वाला हूँ, अभी आपको सुना के नहीं दिखाऊँगा, तो वो चीज़ मैं कर दूँगा. एज़ पर मी गाइज ये ईयरफोन विन विन है, आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं एंड इस बजट पे सभी चीज़ें मिलना काफ़ी मुश्किल है, बट स्टिल बोट ने ट्राई किया. मे बी प्राइस इसका इंक्रीज़ हो जाए 1200-1300 रुपये, तो वो इंक्रीज़ होने से पहले परचेज कर लीजिए. तो मेरी ओर से बस इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड, सी यू सून. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके परचेज कर लीजिए. बाय.